मान रहीम अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे वेलकम कहती हूँ आपको किचन फंडामेंटल्स में और आज हम अपने किचन में जी क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे बना रहे हैं जी झटपट और बहुत ही डिलीशियस वाला ब्रेकफास्ट तो जी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि बच्चों को क्या बूढ़ों को सबको बहुत पसंद आएगी ठीक है ना तो जी इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी सबसे पहले हम कट कर लेंगे वेजेस को वेजेस जो हमने अपने ब्रेकफास्ट बैटर में यूज़ करनी है ठीक है आप अपनी पसंद से कोई भी वेजेस ले सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर यूज़ की थी कैप्सिकम टोमेटो तो और अनियन ठीक है अनियन आपने एक बड़ा अनियन था उसको हाफ कर लिया हाफ़ करने के बाद जो है इसको चॉप कर लिया छोटे छोटे बड़ी टुकड़ों में इसको काट लिया उसके बाद जी हमने कैप्सिकम ली उसको भी कम्पलीट ही हमने इसको यूज़ कर लिया था नॉर्मल साइज़ की थी यहाँ पर ठीक है उसको भी जो है वो चॉप कर लिया उसके बाद जो यहाँ पर टोमेटो है उसको भी हम चॉप कर लेंगे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और जी यहाँ पर मैंने टू जो है ना चिली भी में ऐड कर दी थी बच्चों के लिए बनाने तो चिलीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं तो जी यहाँ पर हम क्या करेंगे हम एक बोल लेंगे और बोल के अंदर हम जो है ना धनिया डाल देंगे धनिया को हम जल्दी और सबसे पहले इसलिए डालेंगे क्योंकि इसका दिल रखना है क्योंकि ये हर खाने में लास्ट में जाता है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसमें डाल देना है ठीक है ताकि ये खुश हो जाए और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देंगे अनियन चोप किया हुआ ठीक है फिर उसके बाद हम इसमें टोमेटो ऐड कर देंगे वन टमेटो था तो उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा कर इसमें जो है ना बाकी का ऐड कर दिया और इसके बाद जी हम कैप्सिकम इसमें इस्तेमाल कर देंगे पूरी की पूरी इसमें चली जाएगी पूरी की पूरी ठीक है और इसके बाद जी इसमें हम करेंगे वन फोर्थ टेबल स्पून आप कह सकते हैं आ, इसमें जो है चिली फ्लेक्स और नमक इसमें भी अपने हंस जरूरत या हंस ज़ायका आप ले सकते हैं ठीक है और इसके बाद इसमें जो टू एग हैं हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से पहले फेंट लेंगे अंडों को और उसके बाद इसको मिक्सअप कर देंगे अच्छे से ठीक से ठीक से इसको मिक्सअप कर देंगे ठीक है और एक और चीज़ अभी इसमें जाएगी अंडे को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद हम इसमें थोड़ा तो से जो है ना काली मिर्च में स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी आई थिंक ये जाएगी वन फोर्थ टी स्पून जा सकती है ठीक है तो इसको हम साइड पे कर देंगे उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर जी ब्रेड ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे उसके साथ हम क्या करने वाले हैं तो ये भी आप देखिएगा अभी यहाँ पर मैंने एक स्लाइस ले लिया इसके बाद मैंने एक कटर के साथ इसके सेंटर से इसको जो इसका बन है ना उसको कट कर दूँगी यहाँ से इसको मैं इसको सेपरेट कर दूँगी तो इसके जी आप इसको सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं कोई और शेप भी यूज़ कर सकते हैं हार्ड शेप भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है आपने कोई भी यानी कि जो आपका दिल करे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप ग्लास के साथ भी इसको कट कर सकते हैं ग्लास जिसके एजेस थोड़े से शार्प होना आप वो वाला यूज़ कीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर जो है मैं बारी बारी सबको सारी जो ब्रेड है ना उनका जो इनर साइड है ना यानी कि उनका बन जो है इसको इस कटर के साथ निकाल के रख लूँगी पहले निकाल कर इसके साथ ही रख देनी है ठीक है ना तो इसके साथ ही इसको हम रख देंगे ठीक है यहाँ पर जो फोर बेड थी ना वो मैंने यूज़ की थी फ्रेश फ्रेश नहीं यूज़ करनी यहाँ पर न फ्रेश की बजाय ना आप एक दिन पहले ये जो मैं पीस यूज़ किया ना ये था एक दिन पहले ये बहुत अच्छे से कटिंग इसकी हुई थी जो दूसरे थे ना उनकी कटिंग करने में इसको थोड़ा सा इशू इशू नहीं होता थोड़ा सा ना वो टूटने का खतरा होता है ठीक है तो जी यहाँ पर हमने ले लिया था पैन पैन के अंदर ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर रख दी ठीक है उसके बाद पैन में हमने ना ऑयल ले लेना है अभी मैं इसको अच्छे तरीके से गीस करके ना इसमें से काफ़ी ओल मैंने निकाल भी लिया था ठीक है निकालने के बाद आपने इसमें वन टू टू टेबल स्पून आपने इसमें ओल रहने देना है ठीक है फिर आपने रखना है ऊपर ब्रेड को ब्रेड को रखने के बाद साथ ही आपने इसमें टू टेबल स्पून जो है ना हमारा बैटर जो हमारा सब्जी और अंडे का बैटर बना है आपने वो इसके अंदर जो है वो फ़िलअप कर देना है ठीक है फिर उसके ऊपर जो आपने इसकी कैप दे देना यानी कि जो इसका ब्रेड का इनर साइड था वो आपने इसके ऊपर जो है वो रख देना है तो इसको हल्के हाथों से आप पहले प्रेस करेंगे पुश करते रहेंगे ठीक है ताकि नीचे से जो है ना वो हीट मिलती रहे। नीचे जो हीट है ना वो है फ्लेम लो टू मीडियम ठीक है लो टू मीडियम में इसने पकना है पकना है ठीक है क्योंकि इसने अंदर तक पक जाना है इसको पहले यहाँ पर तो थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी हुई है वीडियो की लेकिन आपने इसको बहुत सबरल के साथ आपने इसको पकाना है ठीक है ताकि ये कच्चा ना रह जाए और ब्रेड के ऊपर भी अच्छे से जो है ना कलर भी है क्रंची भी बन जाए बहुत मज़े का ये डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट बनने वाला है तो जी मस्त ट्राई कीजिएगा इसको तो हमुल हम के साथ बनाइएगा और देखिएगा जरूर बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा ये ठीक है ना तो इसको जी हम आहिस्सा आस्से इसको हिलाते रहेंगे और इसको टोस्ट करते रहेंगे इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आगे जा मैं इसके साथ जो करूँगी ना वो भी देख <laughs> यानी कि इसके सैंडविचेस बना दूँगी ठीक है तो फिलहाल ना आप इसको ऐसे ही देखें अब इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बहुत मज़े की लगती है अभी जी ये फ़र्स्ट वाली थी ना तो फर्स्ट वाली को मैंने इतना जो है ना फ्रंट साइड से इतना ज़्यादा इसको सेका नहीं था बाद में मैंने इसको भी जो है ना वो रेड कर लिया था बाकी की जो है ना उनको रेड करूँगी इसका ये क्लोजअप शॉट आपको भी दिखाती हूँ क्लोजअप शॉट <laughs> अच्छा यहाँ पर ना आपने क्या करना है जब भी आप जो ब्रेड एक, एक एक टोस्ट बन गया आपका ठीक है फिर आपने दोबारा वन या टू टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल ऐड करना है देन आपने रखनी है ब्रेड और फिर एग उसके ऊपर कर दिया फिल अप कर दिया फिर आपने बन डाल दिया फिर उसके बाद जो है इसको अल्टा पलटना ठीक है ये एट ब्रेड बन गई थी यहाँ पर टू एग्स के साथ ठीक है क्योंकि टू टेब, टू, टू टेबल स्पून इसमें जा रहा था ना बैटर इसका तो जी तो एज ब्रेड बनानी है जब भी आपने ब्रेड इसके पैन में रखनी है ना तब आपने दोबारा से ऑयल इस पर डालना है ठीक है नहीं तो ज़्यादा ऑयल हो जाएगा तो फिर वो जो ब्रेड है ना वो अब्सोर्व कर लेगी तो वो अच्छी चीज़ नहीं रह जाएगी फिर ठीक है मज़ा नहीं आएगा तो यहाँ पर इसको स्लो फ्लेम पे आपने ना बस पकाना है लो टू मीडियम लो की तरफ ज़्यादा है ठीक है ना लो ही है आप कह सकते हैं लो पे रखेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा यहाँ पे मैं इसको जो प्रेस कर रही थी ना प्रेस करने का मकसद ये होता है कि अंदर तक जो है ना वो हीट जाए और पक जाए अच्छे तरीके से ठीक है ना ये साइडों से भी बड़ा मज़े का लग जाता है यानी कि ज़्यादा पता है आप इसको बटर में भी कर सकते हैं ऑयल में भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं ऑयल के साथ करी थी ऑयल में जब ब्रेड को आप क्रंची क्रंची सा बनाएंगे फिर चाय के साथ तो, तो मज़े की लगनी ही लगनी है ना तो जी ब्रेकफास्ट आइडिया बहुत मज़े का है ये इसको आप लंच बॉक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है बच्चों को दें अपने खुद भी कॉलेज लेके जा सकते हैं ठीक है बड़ी मज़े की चीज़ लगती है उसके बाद आप शाम की चाय के साथ एज आ स्नैक्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं तो बहुत मज़े की लगती है इसको मस्ट ट्राई ज़रूर कीजिएगा ठीक है मस्ट ट्राई मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है ठीक है ज़रूर ट्राई कीजिएगा अच्छी लगेगी की आपको और दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा और जी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर ये रेसिपी पसंद आए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये छोटे मोटे स्नैक्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं ठीक है स्नैक्स अच्छे लगते हैं स्नैक्स स्नैक्स नहीं अच्छे लगते स्नैक्स अच्छे लगते हैं ठीक है तो जी इसको हम इस तरह से ही पकाते जाएँगे सिमिलरली बस पहले मैं इसमें जो ऑयल है वो रखते ऑयल है पैन में वो डालती हूँ फिर उसके बाद जो है ब्रेड रखती हूँ फिर उसके बाद एग इसमें इनर साइड पर इसके डालती हूँ फिर बन रखती हूँ और इसके बाद उसको टोस्ट कर लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता ठीक है ना तो जिस साथ ही हमने चाय भी रख दी थी सुबह सुबह का ये टाइम था और हम अपना बना रहे थे नाश्ता कॉलेज जाने से पहले तो हमने कहा छोटी सी एक वीडियो भी बना लेते हैं ओके okay, जी मुझे आप ये लाजमी बताइएगा कि आपको ब्रेकफास्ट में किस तरह के ब्रेकफास्ट पसंद है देसी पसंद है या इस तरह का पसंद है ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है ठीक है ऑयल यहाँ पर इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि वन वन टेबल स्पून ऑयल यूज़ हो रहा है ठीक है इतना ऑयल आपका डेली जो डाइट में चलता है ठीक है ना इतना ऑयल जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं आप डाइट पर्सन भी इसको ले सकते हैं ठीक है इजीली अगर आपने ज़्यादा करना है तो फिर आप जो है वो ऑयल को कम कर लें नॉन स्टिक पहन है वैसे इसमें जलेगा तो नहीं लेकिन फिर भी ये होता है कि ऑयल से ना थोड़ा तो एक यानी कि ऑयल से एक तो सरली हो जाती है आपको क्योंकि अच्छा सा पक गया है ठीक है ना तो अगर आपने ऑयल कम यूज़ करना है आप कम यूज़ कर सकते हैं ठीक है वैसे डाइट में भी चल जाता है ये ठीक है ना तो हेल्दी ब्रेकफास्ट ही है ये ये हो जाता है कि आपको एग और ब्रेड के साथ जो है ना थोड़ी सी ऑप्शंस मिल जाती हैं आपको कि इसको डिफरेंट आइडियाज़ के साथ कैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं आपने वही चीज़ें कंज्यूम करनी है लेकिन डिफरेंट मज़ीद जो है ना आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं तो फिर वराइटी मिल जाती है आपको अच्छा लगता है तो जी यहाँ पर ये ब्रेड्स है ना सारे एट ब्रेड थे यहाँ पर बन के रेडी हो गए थे तो मैंने इसमें क्या किया मैंने कुछ के ऊपर जो है ना मायो लगा दी क्योंकि साइड्स पे वैसे तो ये क्रंची बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं खाते ना तो आपने उसमें क्या करना है कि आपने इसको मायो ऐड कर देनी है आ, मायो को जो स्प्रेड कर देना ऊपर ठीक है अच्छे से फिर इसको आपस में इसको ऐसे रख कर इनको कट आउट कर देना है यहाँ से ट्राइंगल साइड से ठीक है ना नीनी शेप में ठीक है तो यहाँ पर आप देखें बड़े मज़े के ये बन गए थे और चाय के साथ आप इसको यूज़ करें और ट्राई मस्ट कीजिएगा फटाफट वाली रेसिपी है झटपट वाली रेसिपी है फटाफट वाली बन जाती है ठीक है तो आज ही मैंने बनाई थी और रात को वैसे अपलोड कर रही हूँ तो जी यहाँ पर इसकी लुक है मज़े की और चाय के साथ इसको इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखें ओके अल्लाह हाफिज़